हेलो एवरीवन, मैं मंजू और आपका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने अपनी एक साड़ी का यूज़ किया है और अपने लिए साड़ी से गाउन बनाया है, जिसका ही मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो ये जो साड़ी है मेरी, ब्रासो की साड़ी है, करीब 20 साल पुरानी साड़ी है। तो ये पहले इसका काफ़ी फैशन था और इस पूरी साड़ी में जो है वो प्रिंट ही था, पल्लू नहीं था, कोई बॉर्डर नहीं था, बस ऐसे प्रिंट बना हुआ था। तो ये मुझे काफ़ी पसंद भी थी, मैंने इसे काफ़ी पहना, लेकिन आउट ऑफ फैशन हो गया तो अब मैं इसे नहीं पहनती थी, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। तो इस साड़ी को मैंने अम्ब्रेला कट में बनाया है और इसका जो गले का बॉर्डर मैंने यूज़ किया है, अपने ही बेटे का ये कुर्ता था उसका लेस निकाल के उसका ही बॉर्डर मैंने इस गले में यूज़ कर लिया, सीक्वेंस लगा दिए लेस से हटा के। तो इस तरह से मैंने इस साड़ी का बनाया गाउन। और उसके बाद इसकी जो लाइनिंग है, इसमें भी मैंने इसी साड़ी का पेटीकोट था जो वो मुझे छोटा हो रहा था, और एक और पेटीकोट था तो थोड़ा सा कलर अलग था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें लगा दिया तो कुछ खास अंतर नहीं लगा। और एक मेरा अच्छा सा ये जीरो कॉस्ट में रेडी हो गया। अपर पार्ट में भी मैंने उसी पेटीकोट के ही लाइनिंग का यूज़ कर लिया और साड़ी का जो फैब्रिक थोड़ा पतला सा था, लेकिन इस लाइनिंग के बाद वो काफ़ी हैवी सा हो गया, तो ये बहुत सुंदर लगने लगा। तो इस तरह से ये मेरा जीरो कॉस्ट का एक ये मेरा गाउन घर में ही रखे मेरे कपड़ों से रेडी हो गया। तो ये साड़ी जो थी, इसका ये बॉर्डर था जो मैंने अलग से लगाया था, बाद में हटाया। और उसके बाद ये जो मेरा जो दो पेटीकोट को मैंने लाइनिंग के लिए यूज़ किया, उसको पेटीकोट की पहले सिलाई खोल दी, सिर्फ नीचे का और ऊपर का सिलाई खोल के बाकी वैसे ही रहने दिया। और उसी तरह मैंने इसका पहले अपर पार्ट मैंने निकाल लिया उसमें। तो अपर पार्ट के लिए जैसे हम अपना नॉर्मली जो सिलाई करते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं बॉडी के नाप से ही, वो मेज़रमेंट लेके ही मैंने सारा जैसे बनाया है, पहले भी मैंने जैसे बताया है वैसे ही मैं अब धीरे धीरे बनाना सीख रही हूँ। तो इसलिए मैं अपने ही पुराने कपड़ों को यूज़ करके बनाती हूँ कि थोड़ी सी अगर कुछ गलती भी हो तो वो कुछ ऐसा कोई ख़ास अंतर ना आए, इसलिए मैं इस तरह से अभी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो हम फ्रेंड्स, अपने ही जो घर के जो रखे हुए साड़ियाँ हैं, अगर हम स्टिचिंग करना अभी सीख रहे हैं या कुछ कर थोड़ा बहुत ही करते हैं, तो हम मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने ही घर में रखी हुई अपनी ही पुरानी साड़ियां हैं या जो पेटीकोट हैं जो अब पुराने हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, उसका हम यूज़ करके इस तरह से बना सकते हैं। तो पहले मैं जब कटिंग करती हूँ तो मैं पहले लाइनिंग वाला ही कपड़ा काटती हूँ, क्योंकि जो साड़ी का जो फैब्रिक है वो थोड़ा पतला होता है तो वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो लाइनिंग का ही काट के मैं उसके बाद वो मेन फैब्रिक है उसको मैं कटिंग करती हूँ। उसके बाद गले के लिए ये मैंने यूज़ किया, अपने ही बेटे के कुर्ते का एक गले का बॉर्डर था उसको निकाल के मैंने इसमें यूज़ किया। तो हम अगर ऐसे ही करें, अगर कुछ अच्छा सा कपड़ा ड्रेस अगर किसी में कुछ लेस है या बॉर्डर है या कुछ अच्छे से डिज़ाइन है तो उसको निकाल के रख लें, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हो जाता है। और फिर मुझे गले की कटिंग करनी भी बहुत अच्छे से अभी नहीं आ रही थी, मैंने जिसके पहले जो दो बनाए तो उसमें थोड़ा मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। तो ये मैंने मुझे इस बार पेस्टिंग पेपर का पता चला, तो यहाँ लोकल शॉप में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है, तो वो लेकर आई मैं और उसके बाद ही मैंने इस तरह से बनाया तो बहुत इजी हो गया। तो इस तरह कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान दें तो हम अपनी ही रखी हुई घर की चीज़ों से और घर में रखे कपड़ों से ही अच्छा सा एक ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसलिए वीडियो मैंने शेयर किया कि अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने का और तो फिर आप भी ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी बहुत अगर गलती होगी भी या थोड़ा सा जैसा हम चाहते हैं वैसा ना भी बने तो भी एक अच्छा सा कुछ तैयार हो जाता है, तो एक्सपीरियंस होता है और नेक्स्ट वो हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने रेडी कर लिया और अब देखिए ये मैं पहन के मैं दिखा रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो घेर है वो भी बहुत सुंदर सा आया है और ये पूरा फुल लेंथ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइनिंग की वजह से ये बहुत पतली साड़ी है लेकिन हेवी लुक आ रहा है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आई होप आपको भी ये अच्छा लगा हो। तो आप भी इस तरह का अगर साड़ी आपके पास है तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद मुझे बताएं ये कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा फिर मैं कुछ और लेके आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।